वो बेचारे गरीब साधुओं की चीख तुमको महंगी पड़ेगी। एक बेचारी लड़की जिसको 13वां फ्लोर से पटक कर मारा गया, उसकी चीख तुमको महंगी पड़ेगी। तुमको सुशांत का जो है दर्द महंगा पड़ेगा। ठीक है साहब, आपने जाके घर तोड़े थे कंगना रावत के और आप सातवें आसमान पे चढ़ गए थे, वो आपको महंगा पड़ेगा। वाजे को हीरो बना के रखा हुआ था कि हमारे लिए चोरी डकैती और वसूली कर रहा है, हमारे लिए लोगों की पिटाई कर रहा है, हमारे लिए सुसाइड पे सुसाइड दिखा रहा है। ये अर्नब वो साधुओं की चीख इनको महंगी पड़ेगी। तुम समझते हो ऊपर वाले के काम नहीं है, तुमको महंगी पड़ेगी। ये जो कठपुतली मास्टर, ये तो वाजे तो एक मोहरा था जो इन्होंने पहले सैक्रिफाइस किया है, नंबर एक सैक्रिफाइस किया है, और आज बेशर्मी से दांत दिखाकर हंस रहे हैं। पटक दिया तुमने एक लड़की को 13वीं मंजिल से, और मैं और सुसाइड हो गई, और मैं मनसुख की भी सुसाइड हुई है। आपकी बात सुनना चाहता हूँ, परमवीर इनका मनसुख की भी सुसाइड हुई है ना, हाँ 13वीं मंजिल से पटका ना, सुसाइड है साहब, सुसाइड ही सुसाइड महाराष्ट्र में, जेल बख्शे, सुसाइड ही सुसाइड हो रही है महाराष्ट्र में। अर्नब को भी सुसाइड कराना चाहते थे ना, अब करा सुसाइड तुम, तुमको तुम्हारे कुकर्म महंगे पड़ेंगे। तुम समझते हो भारत की जनता बेवकूफ है? आप समझते हैं भारत की जनता बेवकूफ है कि आप हंस लेंगे हमारे ऊपर? हमेशा कहता हूं, ना एक हो ना दो हो ना तीन हो, ना कते कभी कोई विश्वासघात ना हो भारत के लोगों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक कई सवाल है मेरे मन में, आज्ञा दे तो वो सवाल भी करूंगा मैं, मगर आज मौका नहीं है वो। मगर ये ना भूले सुधांशु जी कि भारत की जनता सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई क्या कर रही है या उससे ज्यादा क्या नहीं कर रही है, उस पर सवाल करना बंद करेगी। सवाल भारत की जनता करेगी और भारत की जनता की सवाल उनके सामने मैं रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। देखिए सवाल क्या है मेरे सवाल को आप राजनीतिक रंग, इन्होंने सोचा था सौरभ शाह पालघर की कवरेज हम बंद करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्चाई की लड़ाई हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। यही कारण था ना इनका सौरभ शाह जी, ये लोगों ने कवरेज बंद हो, अर्नब जी यही तकलीफ थी उनकी, ये लोगों ने कि हमारे प्रोग्राम पे आकर साधु के